हमको कोई गम नहीं, इसलिए कि वो चेतन पुरुष थे, वो मरे हुए नहीं थे। मरे हुए होते तो हमको रोना आता। वो चेतन पुरुष है, वो बैठ कर देख रहे, हमारी संभाल कर रहे, सबकी संभाल कर रहे, सबको फायदा पहुंचा रहे, सबको दया पहुंचा रहे। इसलिए हम सब लोगों को खुशी होनी चाहिए कि ऐसा महापुरुष ऐसे बीच छोड़कर यहाँ पर गया, जो सबकी भलाई अंदर बैठकर अधिष्ठ बैठ सबको दे रहा। इसलिए हम उसका पूजन करेंगे कि हमारे हर वक्त संभाल कीजिए, हर वक्त हमको देखते रहिए, हमको कहीं गड्ढे में जाने मत दीजिए, हमको बराबर रक्षा करते रहिए। हमने जो भी भूल चूक से गलतियां की है उनको क्षमा करते रहिए, जो कुछ भी गंदगी है उसको साफ करते रहिए। अंदर और बाहर से सब तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आया करते हैं भंडारों पर। भंडारों की एक महत्वपूर्ण दया मिलने की पुण्य तिथियां होती है, वो मालिक ऊपर बैठकर ऊपर शब्द के द्वारा, प्रकाश के द्वारा जब दया की बौछार करता है तो साधकों को न मालूम बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ अनुभव करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगा जो खा करके भी सो जाते हैं उनको स्वप्न में भी उसका अनुभव होता है, लेकिन बेचारे स्वप्न वाले भूल जाते हैं। जो भजन पर बैठते हैं उनको बहुत कुछ अनुभव हुआ करते हैं, वो नहीं भूलते हैं। इसलिए जो स्वप्न में भी आपको आनंद मिलने लगे, स्वप्न में भी दया मिलने लगे, प्रसन्नता आने लगे, उसको भी समझो कि मेरे ऊपर भी बड़ी भारी दया हुई, उसकी बर्ता हुई है। ऐसी पुण्य तिथियों पर जीवात्माओं का साल साल में ऐसे ही फेरे लगते रहे तो बराबर याद करते रहोगे। अरे भाई, कितने कितने दिनों तक लोग जंगलों में साधना करते थे, जब किराए के मकान से जीवात्माओं को निकाला गया तो भगवान कहना भूल जाया करते। लेकिन ये साधक तो थोड़ा बहुत भजन ध्यान करते हैं, ऐसी मस्ती चल जाती है कि शरीर में एक भी श्वास रहती है तो जय गुरुदेव बोलते रहते हैं। ये देखने को